स्पीकर सर, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मालूम है किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है। आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाके खरीदेगा। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट आपको याद होगा, स्पीकर सर, सर,
फैसला दे। डरते क्यों, डरते क्यों? सुनो, तू हिले फर्जत पागल, सुन सुन अपने स्पीकर सर। दादा दादा स्पीकर सर, आप बजट फैमिली प्लानिंग का, आप बजट पर बात, आप सर सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें, बजट बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। चार लोग चलाते हैं, मैंने बता दिया, और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो नो, आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, मोदी अडानी और अंबानी, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय सदस्य इधर, तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें, पहले कानून का इंटेंट। माननीय सदस्य, आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, यह है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और सब्जी मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट पे चल साइलोज में रखेगा, ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं आया ऑप्शन, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, प्रधान बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर ही, मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इस पे जीती, इससे जीती है। 40,00,000 करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा, तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी, वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान
कंज्यूमर बनके अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से अपने बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है। राष्ट्रपति अभिभाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, अब उसी पे राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर, ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं सर, कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान मजदूर छोटे दुकानदार व्यापारी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर, रूल 218 218 सर, रूल सर, द डिबेट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, अरे बिदुरी, द डिबेट ऑन अप्रोप्रिएट बिल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लॉजली इंप्लॉयड इन द ग्रांट्स कवर्ड बाय द बिल which have not already been raised while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get these all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको authenticate करना है. रिपोर्ट बनी जाएगी. चलिए. बैठिए. आप बोलने दे रहे क्या? सर आपने माइक बंद कर दिया. बोलने दीजिए. चल बैठिए. माइक बंद कर दिया सर आपने सर. बैठिए. आप क्यों डिस्टर्बेंस कर? आप बोलने दीजिए ना. आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी को बता जाए। टू वन फोर सर डिस्कशन, सर डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर, सर डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर में बी अलाउड ऑन द मोशन or any amendment moved there to, but the details of the grant shall not be discussed further than is necessary to develop the general point. Sir, discussion on general point is allowed. So discussion, it is the discussion on general point. Discussion of general point is allowed in the rule book. Discussion of general point. अच्छा बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं आए? बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं आए? तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? दादा भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज सिंपल, यू लिसन टू दिस सर प्लीज। 349 इट सेज व्हाइल द हाउस इज सिटिंग ए मेंबर टू शैल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर व्हाइल स्पीकिंग बाय डिसऑर्डरली एक्सप्रेशन और नॉइजेस or in any other disorderly manner while honorable member rahul gandhi is speaking tab to jinhone is disturb kar raha hai sab kar raha hai aap koi le aap aaj ye kya kal nahi tha kya kal nahi tha मंत्री शोर डाल रहे हैं, मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं, मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं, अरे क्यों घबरा गए? अभी तो बोले ही 5 मिनट हैं, अभी तो बोले ही 5 मिनट हैं। तो हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो, क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे,
हम दो हमारे दो। खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ सिर्फ दो लोग, हम और हमारे, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी, आइडिया किया था गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, पांच अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बिचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है, कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट मान्य सदस्य प्लीज, मगर टैक्स माफ जरूर होगा, मान्य सदस्य जरूर होगा, पांच दस उद्योगपतियों का टैक्स होगा। मान्य सदस्य प्लीज, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूँ, इधर भी आग्रह कर रहा हूँ, माननीय सदस्य आज बजट पर चर्चा है, चलो चलाओ। मैं आ रहा हूँ सर बजट पे, सर मैं आ रहा हूँ बजट पे, मैं सर पांच मिनट में बजट पे आ रहा हूँ, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी, फाउंडेशन। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं चार पांच दस लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या, हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का आंदोलन है, और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है, और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है।
और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो? ये आप सोचते हो? आप ये सोचते हो? आप लिख के ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने का की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए, एक साथ हम सब मिलके किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी, अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनकी इन लोगों ने, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट आप बैठे, एक मिनट। माननीय माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए। माननीय प्लीज बैठिए। माननीय सदन, माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो